हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो जी ये है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2 और चलो खोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की पोल पट्टी। तो जी इससे पिछली वीडियो में आपने ऐसा क्या जाना, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था करंट और वाटर पाइप एनालॉजी के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि कैसे एक पाइप एक वायर की तरह और उसमें बहता हुआ पानी उसके चार्जेस की तरह बिहेव करता है। उसके बाद हमने जाना करंट का चार्जेस के टर्म्स में फॉर्मूला, और फिर हमने जाना कि कैसे चार्ज को कूलाम यूनिट मिली थी, यानी उसकी कहानी। लेकिन पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने मेरे से कुछ सवाल पूछे थे जिनका जवाब दिए बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज की वीडियो में मैं आपको उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना दोनों आसान होगा। तो आपका पहला सवाल क्या था? आपका पहला सवाल था ये किसने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पॉजिटिव। तो भैया ये सारा घोटाला किया धरा है एक बुढ़े बाबा का, जिन्हें हम जानते हैं बेंजो चाचा के नाम से, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाँ जी, यही है वो आदमी जिसने ये सारा घोटाला किया था। तो जी ये हैं वो बुढ़े बाबा यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने एक तो पतंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था, दूसरा इन्होंने ही हमें बताया कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। हालांकि इन्हें ये नहीं पता था कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, इतना ही सच है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर आपको चार्जेस से जुड़े हुए इतिहास की पूरी पोल पट्टी खोलनी, यानी गड़े मुर्दे को उखाड़ के और उसे खोलकर अच्छे से एक एक चीज को देखना है, तो जी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली किताब पढ़ें जिसका नाम है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, और ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। अब इन बुड्ढे बाबा ने एक और काम किया था, ये जो घोटाला आप सुनते हो कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा डायरेक्शन ऑफ चार्जेस के बिल्कुल अपोजिट होगा, ये भी इन्हीं के दिमाग की उपज थी जो कि गलत थी, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर ली, आज तक एक्सेप्ट कर रखी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि करंट के डायरेक्शन से हम जो वैल्यूज निकालते हैं यानी न्यूमेरिकल्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसे चलाते हुए आ रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसको बदल सकते थे, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं करी। क्यों? ना बदल के भी कोई नुकसान नहीं हो रहा सिवाय बच्चों के अलावा, बस बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है जो कि धीरे 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 बड़े होते होते दूर हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज को सुधारने की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं उठाई। चिंता मत करो, हम सब कुछ ठीक करेंगे। हाँ जी, आपका दूसरा सवाल था ये कौन डिसाइड करेगा कि जब दो चीजें आपस में रगड़ी जाएंगी तो किस चीज पर कौन सा चार्ज आएगा, मतलब ये कि रगड़ने से किस चीज पर पॉजिटिव और किस चीज पर नेगेटिव आएगा, ये कैसे पता चलता है? सवाल जेन्युइन है, अब सुनो इसका जवाब। तो भैया ये है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, जो कि आपको किताबों में ना मिलने वाली, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं। हमने एक्सपेरिमेंट कर करके एक ऐसी सीरीज तैयार करी जिसमें हमें ये पता लग गया कि जब हम दो चीजों को रगड़ेंगे तो किस पर कौन सा चार्ज आएगा, यानी कब रगड़ने पर किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस सीरीज को हम पहले से बना चुके हैं, तो इसी में से हम अलग अलग मटेरियल को उठाते हैं, रगड़ते हैं, हमें पता होता है जो ऊपर है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नीचे है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। और अब आता है सवाल कि आखिर हमें ये सीरीज मिली कहां से? तो जी हमने इस सीरीज को तैयार किया है इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। ये एक ऐसा डिवाइस जो हमें ये बताता है कि चार्ज पॉजिटिव है कि चार्ज नेगेटिव है, सेम चार्ज है कि अपोजिट चार्ज है, ये सारी जानकारी हमें इस डिवाइस से मिल जाती है, जिसकी वर्किंग मैं नहीं बताऊंगा। अरे क्लास 10th का टॉपिक नहीं है ये, क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, तो जब आप क्लास 12th में आ जाओगे चिंता ना करो, सब बताऊंगा। आपका तीसरा सवाल था न्यूटन चचा ने ग्रेविटेशन के नियम के बारे में कैसे सोचा, उन्हें ये आइडिया कब और कहां और कैसे आया या क्यों आया। तो भैया देखो, न्यूटन का ग्रेविटेशन का नियम आता है क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर में, जिसकी कहानी है बहुत लंबी, और वो मैं आपको वहीं पे बताऊंगा, यहां बता के कोई फायदा नहीं, इतनी लंबी कहानी होगी मैं खुद थक जाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आपके हाथ में खुजली मच रही है कि नहीं जी हमें तो आज ही जानना है, अभी जानना है, कहीं से भी बता के दो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ये वाली किताब, मतलब ये वाली प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया, ये आप पढ़ लीजिए। इसमें एक एक जानकारी बड़ी डिटेल से दी हुई है कि न्यूटन को कब क्या क्यों और कैसे सूझा। अब जी आता है आपका चौथा सवाल, तो इसमें लिखा है करंट क्या है, क्या ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हाँ तो क्या सच में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो को क्यों नहीं कहते जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनता है। तो देखो जी, जब भी आप करंट का नाम सुनोगे आपको चार्जेस का ही जिक्र मिलेगा, यहां तक कि सबसे बेसिक फॉर्मूले में भी चार्ज पर यूनिट टाइम को ही करंट कहते हैं, जबकि करंट तो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से बनता है,
तो हमने यहाँ पे चार्ज क्यों रखा, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्यों नहीं डाल दिया, आखिर हमने क्यों इलेक्ट्रॉन के सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया, ये चीज क्यों नहीं इस्तेमाल करी। अब मैं आपको कैसे बताऊं, ये समझाना वाकई बड़ा मुश्किल है। इस चीज के पीछे आती है रिलेटिविटी। हाँ जी, रिलेटिविटी, जो मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पहले से ही समझा चुका हूं। 7 वीडियो की सीरीज बनाई है और इतनी बढ़िया से समझाई है कि छोटा बच्चा भी समझ लेगा, आप जाके वहां पर देख सकते हो। अब यहां जो चक्कर है रिलेटिविटी का, उसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लो कि यह है एक ट्रेन, ठीक है जी, इसको आप पॉजिटिव चार्ज मान लो, और यह हो गया आपका प्लेटफॉर्म, इसको आप नेगेटिव चार्ज मान लो, ठीक। रुको, इसको नेगेटिव कर लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। अरे वो पॉजिटिव कैसे होगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। हाँ जी, अब ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं कि ये ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक। ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों से अगर आप ये पूछें कि भैया आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कहेंगे, तो वो ये कहें कि जी हमें प्लेटफॉर्म पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा है तो उसके हिसाब से ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बात भी ठीक है, यानी ये दोनों रिलेटिव मोशन में है। अब जरा आप सोचिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक वायर है और उसमें पॉजिटिव चार्ज जो कि होते हैं और नेगेटिव चार्ज वो भी होते हैं। अब मान लेते हैं कि फ्री चार्जेस यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो अगर पॉजिटिव चार्जेस से पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से यानी यहां से इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यही चीज इलेक्ट्रॉन की नजरों से पूछी जाए यानी इलेक्ट्रॉन से पूछा जाए तो वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा मैं तो यहीं बैठा हूं, ये पॉजिटिव चार्जेस ही पीछे को जा रहे हैं। बात ये भी ठीक है, उसकी नजर से ये पीछे जा रहा है, इसकी नजर से ये पीछे जा रहा है, जैसा कि ट्रेन के एग्जांपल में हो रहा था। तो सच कौन बोल रहा है, यहां आ गई समस्या। अब साइंटिस्ट को ये समस्या इतना परेशान करने लगी, उन्होंने कहा अरे भाड़ में जाओ दोनों, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस को भी भूल जाओ, नेगेटिव चार्जेस को भी भूल जाओ, हम तो करंट को मानेंगे चार्ज अपॉन टाइम, ना बोलेंगे पॉजिटिव ना बोलेंगे नेगेटिव, झंझट ही खत्म, सारे कलेश खत्म। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बात जानते हुए भी कि फ्री चार्जेस यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से करंट बनता है, हम ऐसा क्यों नहीं कहते, फॉर्मूले में भी नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अपॉन टाइम करंट होता है। उम्मीद करता हूं जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले पार्ट में सीधा मुद्दे पर चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। गौर से देखिए इस नोटी बाबा को। ये वैसे मैं कट कर दूंगा वीडियो में, ये मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए करता हूं। इस उम्र में भी पतंग उड़ा रहे हैं, उम्र 55 की, दिल बचपन का, आधे पैर कवर में और देखो हाथ पतंग पर। अब जी आपका दूसरा सवाल था ये, पहले मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो भी रही है बंद हो गई। हो रही है।